नमस्कार दोस्तों, आज शरद भारद्वाज आपके समक्ष जन सरोकार मंच से कुछ महत्वपूर्ण विषय प्राथमिक शिक्षा से संबंधित बात करने के लिए उपस्थित हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग जुड़ेंगे, इंटरेस्ट करेंगे और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आज की चर्चा का मुझे दिया गया है, मुझे इस लायक समझा गया है कि इस विषय पे जन सरोकार मंच से मैं आप सब लोगों के समक्ष बात करूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्राथमिक शिक्षा के अंदर कला की भूमिका जो मेन पॉइंट है, इस पे हम लोग बात करेंगे। पहले पूर्व में मैं अपना कुछ संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा, जो कि एक गरिमा होती है अपने आर्ट वेबिनार्स की, कि आप कोई भी संवाददाता या जो भी प्रवक्ता बोलता है तो उसको अपना एक संक्षिप्त परिचय देना होता है। तो मुझे मेरा नाम शरद भारद्वाज है, मैं उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और इसी के साथ साथ मेरी 25 अक्टूबर 1985 को मेरा जन्म हुआ, जो कि बर्थ डेट ऑफ पिकासो भी रहा है। जो तो एक होता है कि आप किसी चीज़ से कनेक्ट होते हैं तो आप उसी के गुण आपके अंदर आते हैं, तो माइट बी वही आर्टिस्टिक गुण मेरे रहे होंगे उस समय। और सबसे खास बात एक ये चीज़ है कि जब भी आप बचपन एक सबसे बहुत खास होता है विषय होता है कि जो भी इंसान बड़ा होके बनता है और जो भी गतिविधियाँ करता है वो बचपन से ही कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस और क्या कहते हैं प्रभावित होता है, उससे जुड़ता जाता है, तो उससे वो बड़ा प्रभावित होता है। और बचपन से मुझे एक कपड़े खोलने वाली जो नील होती है उसका मुझे बहुत शौक था। मैं उनसे कई आकृतियाँ बनाता था, कई घर में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उन पे पोत के उनको नीला रंग कर देता था। तो वो एक इंस्पिरेशंस का मेरा एक पॉइंट रहा। और बचपन से मुझे, क्योंकि उस समय ब्लैक एंड वाइट कलर के कपड़े थे, टीवीज थे, तो ब्लैक एंड वाइट टीवीज में अक्सर जो बड़े बड़े नामी पेंटर्स होते हैं उनको मैं जज नहीं कर पाता था कि वो कहाँ कितने बड़े कैसे कलर्स यूज़ कर रहे हैं सभी। तो ब्लू कलर मेरे सबसे करीब बचपन में ही मेरे आ गया था और उसी से मैं इन्फ्लुएंस हुआ। साथ ही जब मैं बड़ा हुआ तो फिर वही वही ब्लू कलर्स मेरी पेंटिंग्स में आने लगा और एक उपाधि के तौर पे लोग मुझे ब्लू पेंटर के नाम से मुझे भारतीय कला जगत में जानने लगे। मेरे लिए बड़ा अच्छा सफ़र रहा है ये, मेरी कई प्रदर्शनियाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे गई, राष्ट्रीय लेवल पे गई। साथ ही जो ब्लू कलर है बहुत ही खूबसूरत रंग है, अपने आप में सुख शांति प्यार मोहब्बत देने वाला रंग है, आप डिप्रेसिव कलर नहीं कह सकते हैं इसको। तो ये बात रही मेरी। और इसी के साथ साथ मेरे जो विज़न रहते हैं, मतलब मैं ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट आउट को ब्लू के अंदर मैं चित्रण करने की कोशिश करता हूँ, मेरा हमेशा ब्लू के पीछे नया कॉन्सेप्ट रहता है, कुछ नई फॉर्म्स रहती है। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नए फॉर्म्स को मैं अपने आर्ट वर्क्स में लाऊं। उसी के साथ साथ दो आर्ट वर्क मेरे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में रहे 2008-2015 में, साथ ही स्टेट अवार्ड भी मेरे को मिला। ऐसी तमाम गतिविधियों जैसे जब आप ऐसे आर्टिस्ट आप काम करने लगते हो तो बहुत सारी कार्य आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं, तो ये सब चीज़ें होती है, कोई बड़ी इसमें बड़ी बात नहीं है। और इसी के साथ साथ मेरी पेंटिंग्स में कई सीरीज़ के ऊपर मैंने काम किया, चाहे मेल्टिंग स्कल्पचर ऑफ गणेशा हो, लाइफ इन उदयपुर हो, यूनिवर्स सीरीज़ हो, अंडर वाटर सीरीज़ हो, तो ऐसी बहुत सारी वेराइटीज़ वेरिएशन सीरीज़ पे मैंने मैंने काम किया उस पर। इसी के साथ साथ मुझे अच्छा लगा और मैंने इन चीज़ों में बहुत सारी प्रदर्शनियाँ भी लगाई। साथ ही मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ प्रकाशित हुए। पहला मेरा इंटरव्यू दूरदर्शन लाइव पे प्रकाशित हुआ जो कि 1 घंटे का था। साथ ही इसके साथ ही मेरा बिग FM पे लाइव इंटरव्यू रहा, बहुत सारे आकाशवाणी पे रहा। ये कुछ गवर्नमेंट्स के नाम मैंने जो बहुत ही रिनाउंड चैनल्स होते हैं, इसके अलावा प्राइवेट चैनल्स पे बहुत सारी जगहों पे मेरे प्रदर्शनियाँ रही।
द ब्लू एलिफेंट करके एक विशाल 16 फीट बड़ी मैंने एक पेंटिंग बनाई थी जो कि बहुत हाईलाइटेड थी। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उसका नाम रहा और जयपुर आर्ट समिट में वो हुई। ब्लू जीजस करके मैंने एक बड़ा आर्ट वर्क कंप्लीट किया था और ब्लू ईगल करके मेरा एक फिल्म फेस्टिवल में लगा था। मैं कई फिल्म फेस्टिवल्स से भी जुड़ा हूँ, कई सेलिब्रिटीज़ काइंड ऑफ आर्ट वर्क्स भी मैंने किए हैं। तो ये सारा एक सफ़र रहा, बहुत ही सुखद सफ़र रहा है जिससे कि लोग मुझे जान पाए। उसके साथ ही मेरी अब बात अगर हम मेरी डिग्री की करें तो मैं 1 साल के लिए मैंने दाखिला उदयपुर के एमएलएस यूनिवर्सिटी में भी लिया था जिसके अंदर कि मैंने बीएफए का फाउंडेशन पूरा कंप्लीट किया। देन आफ्टर मुझे मौका मिला जयपुर जाने का तो मैंने जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट में 4 साल की डिग्री वहाँ से मैंने की। उसके साथ में मास्टर डिग्री के लिए मैं बेंगलोर गया। बेंगलोर में चित्रकला परिषद जो कि देश के टॉप 10 आर्टिस्ट आर्ट इंस्टीट्यूशंस में एक है वहाँ से मैंने मास्टर्स पूरा कंप्लीट किया मेरा। और इसी के साथ साथ बहुत सारी पेंटिंग्स मैंने की जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वहीं से भी निकली। और इससे बात हम करते हैं कि आप मैं इंस्पायर कहाँ से होता हूँ, मैं कैसे, तो जितनी भी समाज की गतिविधियाँ होती है इसके साथ साथ म्यूजियम्स में भी मैं कई जगहों पे जुड़ा हूँ। टोंग से ये कार्यक्रम प्रसारण हो रहा है तो मुझे खुशी है इस बात की कि टोंग से भी मुझे कला रत्न सम्मान कुछ सालों पहले मुझे दिया गया। बात करते हैं कि आज के प्रमुख विषय पे, आज का प्रमुख विषय है प्राथमिक शिक्षा जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और इस विषय को चुन बोलना और लोगों को जागृत करना ये मेरे आप में अपने आप में मेरे लिए एक गौरवान्वित बात है। और इसी प्राथमिक शिक्षा के अंदर आप अगर कला शिक्षा की अगर बात करें तो बहुत ही दुखद बात यह है कि हम लोग अभी उसको देख नहीं पा रहे हैं। कला शिक्षा नहीं है, कला शिक्षक नहीं है, पर बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है क्योंकि जो भी बच्चा बचपन में जितनी भी गतिविधियां करता है तो वो कई बार कई ऐसी चीज़ें होती है जब प्राथमिक शिक्षा बेसिकली 1 से 5वीं क्लास तक के लिए आपको ली जाती है, दी जाती है। यानी 1 से 5 तक की क्लास को आप एक प्राइमरी स्टेज बोलते हैं जहाँ पर बच्चा ABCD सीखता है, अ से अनार और ये सब चीज़ें सीखता है। और एक आर्टिस्ट के तौर पे बहुत मॉरल कर्तव्य होता है एक आर्टिस्ट का कि वो समाज को, क्योंकि जब आर्ट जागृत करें, क्योंकि जब समाज से उसको आर्टिस्ट को एक पहचान मिलती है या एक पोस्ट मिलती है, लोग उसको जानना चाहते हैं, तो कुछ बेसिक कर्तव्य भी समाज के थ्रू एक आर्टिस्ट को देने चालू होते हैं कि सर हम चाहते हैं कि आपके थ्रू लोग इस विषय को गौर से सुने जाने। तो प्राथमिक शिक्षा मूल बात है आज की। प्राथमिक शिक्षा की नींव रखना बहुत ज़रूरी है, वस्तुओं को बच्चों को पहचानना सिखाना कि किस तरीके से बच्चे रिकॉग्नाइज करेंगे प्राथमिक शिक्षा के अंदर। कोई भी बच्चे हैं अगर ऑब्जेक्ट्स लेते हैं या किसी भी तरीके से आप एक बच्चे को आप किस किसके माध्यम से आप अपना मतलब आप GK बढ़ाना चाहेंगे, आप किस तरीके से करना चाहेंगे, तो वो बेसिकली एक बड़ा पॉइंट है। तो जब जब आप अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा के तौर पे कला शिक्षा नहीं देंगे तो वहाँ पर उसकी GK नॉलेज डिप्रेसिव डिप्रेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही क्योंकि मैंने बताया कि जब मैं पढ़ाई में बचपन में मैं आपको ट्रूली बताऊँ, मैं बचपन में पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर था। तो जब मैं कमज़ोर था तो मुझे लगता था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मतलब मुझे मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, मैं दूसरे बच्चों की तरह एक्टिव नहीं हो सकता हूँ। तो मैं मेरा जो ये नील वाला जो कॉन्सेप्ट है जिससे मैं बचपन में टाइम पास करता था तो वो कहीं ना कहीं एक आर्ट जर्नी के तौर पे, एक कला शिक्षा के तौर पे वो मेरे से जुड़ा रहा। और इसी के इर्द गिर्द मेरा बचपन, मैं डिप्रेशन में नहीं रहा और बचपन में मैंने कई आकृतियाँ बनाई, इम्प्रेस किया, उस समय माइट भी कई बार मार भी पड़ी, लेकिन उस वजह से आज मैं ब्लू पेंटर बन पाया और मेरी पेंटिंग्स के अंदर ये सब चीज़ें आ पाई। तो बेसिकली ये सब चीज़ें रही और इस वजह से
इसलिए कला शिक्षा का महत्वपूर्ण बहुत योगदान है किसी भी की जिंदगी में। अगर कला शिक्षा की नींव बचपन में अगर किसी बच्चों को नहीं रखी जाती है तो वो आगे जाके कई डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं, कई तरह से वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और अकेलेपन में उनको यह समझ नहीं आता है कि वो क्या करें या किस तरीके से अपने भाव को एक्सप्रेस कर सकें जो कि दुनिया के सामने आए। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें होती है। और बचपन आपने मैं आपको बताऊं, केवी नवोदय में बाहर से ऑब्जेक्ट्स लाए जाते हैं, अनार वगैरह ये सब चीज़ें, और बच्चों को नवोदय मतलब उस तरह की शिक्षा दिखाने के लिए उनके सामने रखे जाते हैं। उनसे ये बोला जाता है कि बेटा ये इनको पहचानो। प्राइवेट स्कूल्स में भी ये सारा चीज़ें होती है। नवोदय में मैंने 2 साल पढ़ाया है, 2 साल मेरी शादी के पहले मैंने बैचलर्स टाइम में उस वहाँ पढ़ाया है। वहाँ पर उच्च प्राथमिक शिक्षा के तौर पे कला शिक्षा थी, बट तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ें होती थी कलर्स के थ्रू। आज आप आर्ट का जो है बच्चे के प्राइमरी स्कूल्स में देखिए, LKG AKG के स्कूल्स आप पूरा कलरिंग पे डेकोरेटिव फॉर्म्स में देखते हैं। तो बेसिकली कला शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान बहुत ज़्यादा है, चाहे आप मैथमेटिक्स चाहे कॉमर्स चाहे किसी भी फील्ड में आप बच्चे को अपना आगे फ्यूचर देना चाहते हैं, बट शुरुआती स्टेज में वही है। और सबसे एक सरल और इजी गोइंग में बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि माइट भी आपका बच्चा ज़िंदगी में आगे पढ़ाई नहीं भी करता है, 9वीं 10वीं भी पास नहीं होता, लेकिन अगर उसको बचपन में कला शिक्षा दी गई है या माइट भी वो लड़की है, आपने अगर उसकी शादी भी कर दी है, तो इन फ्यूचर आफ्टर मैरिज जब एक लाइफ स्टेबल होती है, जब एक समान तर पे आप एक आ जाते हो, तो कुछ ना कुछ बचपन के कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जिनकी वजह से आप उस कला शिक्षा के जो गुण होते हैं, चाहे पेपर कटिंग हो, कोलाजिंग हो, कलरिंग हो, उनसे आप अपना घर सजा सकते हो, आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हो, आपको टेक्सचर्स फॉर्म बाजार के कलर्स की नॉलेज होती है। तो ये सब जो भी मूल बातें हैं भावनाओं की, इमोशंस की, ये जितनी भी मन को एक शांति देने की, ये सब बातें प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाती हैं। यानी प्राथमिक शिक्षा का योगदान सिर्फ प्राथमिक लेवल पे ख़त्म नहीं होता है, वो तमाम उम्र आपके फर्नीचर, आपके घर का, आपका लाइफस्टाइल और सभी चीज़ों में आपका पैरेलल आपकी ज़िंदगी भर आपके जीवन में बना रहता है। विदेशों में आप मानेंगे नहीं, 5वीं क्लास के बच्चे कैनवास पे पेंटिंग्स करने लग जाते हैं। उसका मूल कारण यही होता है कि उनको बचपन से बड़े बड़े आर्टिस्ट के म्यूजियम्स, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स के कलर्स और ये सब चीज़ें उनको इजीली दिखाए जाते हैं। अगर उनको इतना ज़्यादा अगर नहीं दिखाया जाए, उनको नहीं एक्सप्लोर किया जाए, उनको कला शिक्षा के बारे में ज्ञान नहीं दिया जाए, तो वो इतने अच्छे आर्टवर्क्स कर ही नहीं सकते। हम उनको भारत के अंदर खानदानी का नाम दे देते हैं। खानदानी जैसा कुछ भी नहीं है, जो इंसान इर्द गिर्द बचपन से देखता आता है वो उसमें निपुण हो जाता है। तो हम भारत में उसको यूँ बोल देते हैं कि तो खानदानी बचपन से, हाँ इनके तो परिवार में ऐसा चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो जो भी पढ़ाई आप बचपन से करते आ रहे हैं उसमें आप पारंगत हो जाते हैं, आपकी स्किल्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाती। यही एक कारण है कि आज हमारे पास में प्राथमिक शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, स्पेशली मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, कि टीचर्स और कुछ चीज़ें नहीं होने की वजह से हम लोग इसके पीछे होते जा रहे हैं। और जो लोग इनसे बचपन में इन्फ्लुएंस हुए हैं वो आज भी बड़े अच्छे आर्टिस्ट बने हुए हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जिज्ञासा जो डेवलप होती है, जीके की बात मैं करूं, आप जीके में कहां से कहां सोच पाते हैं। इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं वो बच्चों को बड़ा इंस्पायर करते हैं, प्लास्टिक के कलर्स बड़ा इंस्पायर करते हैं, टॉयज बड़ा इंस्पायर करते हैं। तो ये सब ऑर्नामेंट्स हैं, ये सब एक चीज़ें हैं जो सपोर्टिव चीज़ें हैं, जैसे मैकेनिकल टूल्स होते हैं जो कि कला शिक्षा को बढ़ाते हैं। साथ ही इसकी आगे हम बात करते हैं कि शिक्षा नीति, शिक्षा नीति के अंदर ये सब प्रावधान है कि कला शिक्षा बड़ी अनिवार्य है और ये दी जाए। NCERT ने इसको अप्रूव कर रखा है, इसको कंपलसरी कर रखा है कि आप बचपन में कला शिक्षा बच्चों को दें। लेकिन कुछ अब एक बात मैं आपको मतलब लेवल पे बताना चाहूँगा कि
क्या ऐसा पेड़, कोई भी ऐसा पेड़ हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, क्या कोई ऐसा पेड़ जो अकेला खड़ा है किसी भी फील्ड में, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे आर्ट फील्ड हो, चाहे म्यूज़िक फील्ड हो, और अकेला वो खड़ा है और उसके आसपास और कोई दूसरे पौधे या दूसरे प्लांट्स ना हो, तो क्या वो अकेला पेड़ एक बाग कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो यानी अगर राजस्थान में कोई वरिष्ठ आर्टिस्ट या कोई भी कलाकार कोई बड़े नामचीन काम कर भी रहा है, लेकिन अगर राजस्थान में कला शिक्षा या क्या कहते हैं प्राथमिक लेवल पर नहीं है, तो उसका महत्व बहुत 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 कम हो जाता है। यानी उस अकेले पेड़ को खुद ही आवाज़ देनी पड़ेगी खुद का महत्व बताने के लिए। तो इसलिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात है। और अगर वो प्राथमिक लेवल पे, उच्च शिक्षा में, सभी जगहों पे अगर कला कला शिक्षा अवेलेबल है, तो एक छोटे से छोटा बच्चा भी ये समझ पाएगा कि हमारे राजस्थान में या हमारे भारत में या हमारे विश्व में कितने नामचीन और कितने अच्छे अच्छे कलाकार हैं और उनकी क्या अहमियतता है। तो हमें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं पर्टिकुलर कुछ लोगों के पीछे भागूं और उनसे उम्मीद करूं कि वो मुझे लाइक्स करे, कमेंट्स करे या मुझे मेरी कला को सराहें। जब यूनिवर्सल एक पूरा माहौल ही ऐसा बन चुका है कि हर कोई आर्ट को समझ रहा है और मान रहा है, समझता है, तो वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका उच्च स्तर और बढ़ता जाएगा, वॉलंटियरिंग और बढ़ती जाएगी, युवा मृत्यु पे भी इससे काफ़ी योग लगेगी। आज जो बच्चे बड़े होने के बाद में पढ़ाया करते हैं, पढ़ाई करने के बाद में उनकी जॉब्स नहीं लगती, उनको एक उनको डिप्रेसिव फीलिंग आती है, उनको लगता है कि हमें आगे कोई जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उस पे वो एक इजी गोइंग जाके सुसाइड कर लेते। तो ये एक बड़ा गलत पॉइंट है। देखिए, नेपोटिज्म और इस तरह की बातें हर क्षेत्र में होती है, आर्ट फील्ड में भी होती है, डॉक्टरी फील्ड में भी होती है, इंजीनियरिंग फील्ड में भी होती है, सब जगह कुछ ना कुछ पक्षपात होता है। लेकिन जब आपके मानसिक पटल, आप इतने अंदर से मजबूत होते हो कि अभी कोई भी एक्टिविटी आएगी, कोई भी कलर, काला दोगे, पीला दोगे, लाल दोगे, हरा दोगे, मैं मेरा एक पेंटिंग बना दूंगा, जब आपको वो कॉन्फिडेंस अंदर डेवलप हो जाता है, तो आप ये ऐसी गलत हरकतें नहीं करते हो, उन चीज़ों पे भी आपकी रोक लग जाती है। घरेलू महिलाओं की मैंने बात करी, घरेलू महिलाएं और ये सब चीज़ें शिक्षा नीति से संबंधित जो मैंने बात करी, अब बात आती है शिक्षा नीति। ये अभी एक छोटी सी मैं बात बताना चाहूँगा, राजस्थान में जो इतिहास रहा है कला शिक्षा का, वो डायरेक्ट कॉलेज लेवल का, और ये सब कब से हुआ, 1992 में के पहले शिक्षा काफ़ी अच्छी थी, बच्चे कला शिक्षा के तौर पे पढ़ भी रहे थे, वो भी अच्छे टीचर्स से, उसके पहले एक सुखद माहौल था, वहाँ पर कला शिक्षा पढ़ाई जाती थी। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ एक समाज में कुछ हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम आ गए हैं, अब हम सेफ हो गए हैं, अब पीछे के लोगों को ये चीज़ नहीं दी जाए तो भी चलेगा, या हम हैं तो अब पीछे के लोग अगर हमें हमारे पद पे नहीं भी आएंगे तो भी चलेगा। तो इन कुछ गलत भावनाओं के चलते और सिर्फ सेल्फ लेवल को अपने आप को प्रमोट करते चलते 1992 में राजस्थान में कला शिक्षा बंद कर दी गई, पोस्टें बंद कर दी गई, नीति चलती रही, पेंटिंग सब्जेक्ट चलता रहा, यानी पेंटिंग रेगुलर चलता रहा एज ए सब्जेक्ट, बट शिक्षकों की भर्ती बंद कर दी गई। अब जो शिक्षक थे उनसे अनर्गल कार्य करवाने लग गए। जैसा कि आपको बताऊं, मेरा खुद का भी एक अनुभव रहा है, जब मैं नवोदय में था, मेरी 18-20 हज़ार रुपये सैलरी थी, तो लेकिन वहाँ पर मुझसे सिर्फ ये उम्मीद की जाती थी कि कला शिक्षा के नाम पे, शरद जी, या तो आप बच्चों से डस्टबिन पुतवा दीजिए या फिर आप कोई खंबा पुतवा दीजिए। यानी महत्व क्यों नहीं समझा गया? उसका कारण यही है कि उन्हें पता है कि राजस्थान में कला शिक्षा का सरकारी तंत्र में या दूर तरीके से क्या महत्व है। तो इसलिए
आज मेरे जो भाई लोग हैं जो केवी में हैं, जो नवोदय में हैं, तो उस वो लोग भी इस कई चीज़ों से पीड़ित हैं। वहाँ पर भी उन लोगों के साथ में यही होता है कि कई बार उनसे ये उम्मीद की जाती है कि आर्ट टीचर है मीन्स ये तो खंबा भी पोत देगा, दरवाजे भी पोत देगा, मतलब उस तरीके से कभी कभी कुछ लोगों को फेस करना पड़ता है। तो ये कला शिक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि अगर ये कला शिक्षा बचपन में उनको, अब उन ब्रिंगिंग में बच्चों को पढ़ाई जारी होती तो शायद उन बच्चों को लगता है कि हाँ आर्ट का एक बड़ा सब्जेक्ट है। और कई लोगों को ऐसा एक गलत फहमी है कि इसमें पढ़ना नहीं पड़ता है, पढ़ना खूब पड़ता है, पूरे वर्ल्ड के म्यूजियम्स, पूरे वर्ल्ड के आर्टिस्ट सभी के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो 15-20 साल का जो ये एक समय निकल गया है, 20-25 साल आज इस 92 से अभी तक हुए हैं जिसमें कि कला शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है, तो अब मैं उस पटल पे आता हूँ। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है प्राथमिक शिक्षा का महत्व बताने के लिए कि बच्चा क्यों प्राथमिक शिक्षा के लिए ज़रूरी है, और आज उन कारणों से बच्चे ऐसे हो गए हैं कि प्राथमिक शिक्षा में कला नहीं दी जा रही है, इस वजह से अपने पेरेंट्स तक से खुल के बात नहीं कर पाते, नहीं बात करते हैं, नहीं उनसे आदान प्रदान करते हैं, नहीं घर को सजा पाते हैं, नहीं कुछ क्राफ्टिंग करके समाज में दिख पाते हैं। नहीं तो पहले एक समय था जब मैं खुद अपने हाथों से कार्ड्स या बना करके बचपन में पेरेंट्स को देता था, ये एक कल्चर ही पूरा लुप्त होता जा रहा है। तो ये सब जो चीज़ें पेरेंट्स में इमोशंस उससे हमेशा बने रहते थे, आज भी बचपन में सेकंड क्लास थर्ड क्लास में फेविक्राइल कलर से बनाया हुआ एक छोटा सा रुमाल मैंने मेरी माँ को दिया था, वो भी आज मेरे उनके पास में है। तो ये सब भावनाएं जब तक नहीं होगी, जब तक प्राथमिक शिक्षा में कला का योगदान आप बिल्कुल नहीं देंगे, आपको ऐसे उपहार नहीं मिलेंगे, आपको एक ऐसा समाज नहीं मिलेगा, आपको एक ऐसा समाज नहीं मिलेगा जहाँ पर कि बच्चे सर्वांगीण विकास की ओर देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, उन्नति कर पा रहे हैं, अपने रास्ते खुद समाज में ढूंढ पा रहे हैं। ये सारा विकास आपको शिक्षा नीति के अंदर कला का महत्व के बाद ही दिया जाएगा। अब बात करते हैं 15-20 सालों से जो ये शिक्षा नीति इन लोगों ने बंद करी, हो गया, अच्छा हुआ, ठीक है, खूब तारीफ है। जो गिनती की जो आर्टिस्ट बचे थे उन लोगों के बीच में काम भी बिके, उनको पोस्ट भी दी गई, उनको एक लेवल पे माना भी गया, लोगों ने मान लिया कि क्योंकि उनके पीछे आने वालों का रास्ता ही बिल्कुल बंद कर दिया गया। यानी पीछे आर्ट फॉर्म्स में बच्चे सीख ही नहीं रहे, तो कहने का मतलब जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग बचे थे उन लोगों को आर्टिस्ट माना गया, उन लोगों के आर्ट वर्क्स को देखा गया, समझा गया, ये सब चीज़ें होती चली गई। लेकिन 15-20 सालों से बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ गया कि जो कलाकार थे, जो दिल से कलाकार थे, जो कि आत्मा से कलाकार थे, वो नौकरियों में इधर उधर घुस ही नहीं सके। और उन्होंने छोटे छोटे अपने घर चलाने के लिए बैनर वगैरह और बहुत सारे काम किए, उन्होंने इस उम्मीद पे कि हो सकता है कुछ सालों तक, लास्ट 10-15 सालों तक, 20 सालों तक कला की शिक्षा लेना प्रारंभ रखा इस उम्मीद पे कि शायद इतनी सारी पोस्टें खाली हो गई है तो अब भर्ती निकलेगी, अब भर्ती निकलेगी। तो ये सब चीज़ें होती चली गई, लेकिन ऐसा स्टॉपेज लगा दिया गया। और इसमें कहीं ना कहीं कारण कुछ उच्च वर्गीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, राष्ट्रीय पटल पे अपना नाम रखने वाले कलाकारों का भी योगदान रहा कि उन्होंने, क्योंकि कोई भी जंग होती है आप बुद्धि और बल दोनों से जीतते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो उन्होंने बड़ी बुद्धि से, उन्होंने लापरवाही से उस रास्ते को ब्लॉक तो कर दिया, लेकिन पीछे आने वाले के लिए खतरा तैयार हो गया कि अब वो जाए कहाँ। तो प्राइवेट स्कूल्स की ओर उन्होंने अगर अपनी डिग्रीज को रुझान दिया तो वहाँ पर उनको बड़ा एक्सप्लोइट किया गया। आज इस लॉकडाउन के पीरियड में देखिए आप, आज अगर इस लॉकडाउन के पीरियड में मेरे पास में काफ़ी कॉल्स आई कि कोई बैनर पोतता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है कि आर्थिक सहायता के तौर पे। आप खुद सोचिए कि अगर कला शिक्षा राजस्थान में होती तो बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से राजस्थान के दूसरे टीचर्स भी पढ़ा पा रहे होते, आराम से उनको सिखा पा रहे होते, और कला शिक्षा से वो बच्चे अच्छे अच्छी क्राफ्टिंग बन के राजस्थान की गवर्नमेंट, राजस्थान के प्लेटफॉर्म पे ला पा रहे होते, और वो कलाकार भी भूखे नहीं मर रहे होते।
लेकिन ये ऐसा सब चीज़ें हुई, बहुत बुरी बात हुई। राजस्थान में ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। अब मैं बात करता हूँ इसके प्रयास सेक्शन में जाता हूँ मैं, कि जब इतना चीज़ें हुई तो क्या ऐसा है कि किसने प्रयास हुआ, संगठन बने, पोस्टर्स छपे, धरने हुए, रैलियां निकली, खूब सारी चीज़ें हुई। लेकिन एक होता है कि जब इंसान खुद सक्षम हो जाता है या कुछ खुद को अपने ऐसा समझ लेता है, तो वो यूँ सोचता है कि नहीं, सोशल चीज़ों में अपने को नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये एक अलग वो है। तो जो लोग सरकारी तंत्र, सरकारी शिक्षक बन के लगे हुए थे, उन्होंने बिल्कुल अपना योगदान उसमें, कुछ लोगों ने कोशिश भी करी देने की, उन्होंने नहीं दिया, वो ना आए ना उन्होंने कंप्लीट करा। जब मैटर थोड़ा सा मीडियाबाजी में आया तो उन्होंने थोड़ा बहुत कोशिश कर करा के अपना नाम, इमेज बचाए रखने के लिए दिया भी सही। बट एक होता है कि अब भाई हर्ट कोई, आप जंग लड़ रहे हो तो 100 साल लगे थे देश को अंग्रेजों से लड़ा जिताने में, तो इस तरीके से फुल टुश होकर उन्होंने आप सपोर्ट नहीं किया, जिसका भी कारण रहा कि आज तक हम उस मैटर पे अटके हुए हैं। जबकि एक आर्टिस्ट, आज आप क्या मानते हैं, एक आर्टिस्ट इतनी अप्रोच रखता है कि अगर वो उसकी सोलो एग्जीबिशन लगा रहा है तो राजस्थान के CM तक से वो अपना इनोग्रेशन करवाता है और तालियां बजवाता है दूसरे जूनियर आर्टिस्टों से, और बाकायदा वो मीडियाबाजी में सब चीज़ों में आ जाता है। तो क्या मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सारा राजस्थान के आर्टिस्ट अगर संगठित हों तो क्या ऐसा माहौल हो नहीं सकता है कि आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट में आप क्या कहते हैं, सरकारी तंत्र से आप कला शिक्षा बच्चों के भविष्य के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए आप ले पाएँ? तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, बट क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि क्यों ऐसा इन चीज़ों पे, ठीक है जो बेरोज़गार रह गया उसको अकेला छोड़ दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। एक मैंने जैसा मुझे कहा गया कि मैं कहीं भी जाता हूँ या कोई भी मुझे सम्मान मिलता है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उसकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ से खाया पिया और सम्मान लिया और फिर अपनी जिम्मेदारी को बिना समझे वहाँ से रवाना हो गया। मुझे कोशिश रहती है कि मैं उसके मैटर को समझूँ, या अगर मैं हो सकता है कि उस, क्योंकि कलाकार बहुत गरीब होते हैं, कलाकार के पास में कोई ऐसे बड़े संसाधन नहीं होते हैं कि वो 10 बिजनेस इंडस्ट्रीज से अपने पैसे कमा लें। तो इस तरीके से तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसका क्या कुछ, उसके मैटर को बढ़ा सकता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ, बल बुद्धि से हमें ये मैटर को आगे लाना चाहिए। नवोदय का अनुभव मैंने आपको बताया। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की हम बात करें, एक बिल्डिंग है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जो कि कला के अंदर बहुत बड़ा इतिहास रखती है, 150 साल पुराना महत्व है, जहाँ से मैं भी पास आउट हुआ हूँ। तो जब ये मुद्दा उठाया गया तो कई तरह के धरने प्रदर्शन हुए। एक बार तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की पूरी बिल्डिंग के ऊपर काले पर्दे भी लटकाए गए, जो कि इसी के अंतर्गत कार्य में थे। इसी के साथ साथ विधानसभा के अंदर धरना प्रदर्शन किया गया। मैं खुद शिक्षा मंत्री से उस समय मिल के आया, ये चीज़ें रहेंगी। कुछ काफ़ी सालों पहले इतने सारे पोस्टर तक भी हम लोगों के द्वारा, सबके द्वारा छपवा के, पूरे ये शिक्षा, कला शिक्षा के ऊपर, कला शिक्षा के ऊपर छपवा के, चित्रकला शिक्षा, ये आप पढ़ सकते हैं, चित्रकला शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा। तो ये सब चीज़ें पूरे राजस्थान में बांटी गई, हजारों प्रयास करे गए, इस तरीके से सारी चीज़ें हुई। लेकिन RTI के तहत लेटर मांगे गए, पोस्ट कार्ड भेजे गए, ये क्या कहते हैं, बड़ी सी पुस्तक बना के विधानसभा के, राजस्थान के सामने प्रदर्शन किया गया। NCERT तो कहती है कि कला शिक्षक शिक्षा है और अभी भी कला शिक्षा के ग्रेडिंग्स और वो दी जाती है, लेकिन किसके द्वारा दी जाती है? जब 20-25 सालों से पोस्ट बंद हैं तो आप वो कला शिक्षा की मार्किंग कर कौन रहा है? तो वो एक्सटर्नल अदर टीचर्स से मन मुताबिक वो करवा दी जाती है। और जैसे कि आप, मैं बताता हूँ आपको कि आपको खुद को भी पता है कि वो इधर उधर से मार्किंग जो करवा दी जाती है तो कैसे होती है, वो सब लंबे तिलक करे जाते हैं, कई चीज़ें होती है, कई बातें होती है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इस प्राथमिक शिक्षा का महत्व और कला शिक्षा का महत्व के लिए बोलना मेरा एक जिम्मेदारी पद था और इसी से संबंधित मैंने बात करी। और एक
शख्स हैं जिन्होंने कि एक बहुत ही इस मैटर के ऊपर एक बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक अपना बीड़ा उठाया हुआ है। महेश गुजर नाम है उनका। राजस्थान के काफ़ी लोग उनसे उन्हें जानते हैं, प्रभावित हैं। उनको इस मुद्दे के लिए जो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का के अंदर कला की महत्वता के ऊपर मुझसे कई गुना बहुत ज़्यादा जानकारी है, और साथ ही उनको उन्होंने मुझे लगता है कि शायद बहुत ही अपनी जेब से पैसे खर्च करके वो इसके ऊपर RTI से कितने ही लेटर्स, एक बोरा भर के लेटर्स उन्होंने मंगवा रखे हैं। तो इतनी सारी जानकारियाँ उन्होंने इकट्ठी कर रखी है। मैं सिर्फ एक आवाज़ हूँ और एक चेहरा हूँ जो कि राजस्थान में, इंडिया में ब्लू पेंटर नाम से कला जगत में कुछ प्रसिद्धि, कुछ इज्जत पा चुका हूँ। तो मुझसे ये सिर्फ ये उम्मीद कही गई कि शरद भाई आप ये कहेंगे तो लोग सुनेंगे। तो प्राथमिक शिक्षा का कला, प्राथमिक शिक्षा के अंदर कला का महत्व मैंने आज अपनी ओर से बताने की पूरी कोशिश की है, और इसी के साथ साथ कोशिश के साथ साथ मैंने जिम्मेदारी समझी है कि मैं लोगों को जानकारी दे सकूं प्राथमिक शिक्षा का के अंदर कला का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो उन्होंने, महेश भाई ने बहुत, ये जितने भी धरने, प्रदर्शन और ये सब चीज़ें होती है, इन सब में बड़ा योगदान दिया है, उनको बड़ा वो है। और मैं ये चाहूँगा कि इसमें अगर कोई भी विचारधारा या कोई भी मीटिंग पूरे राजस्थान में अगर की जाए इस चीज़ को, अगर तो इसको कोई भी ये पर्सनली ना ले, ये ऐसा ना सोचे कि ये हमारे काम का नहीं है। और एक आर्टिस्ट के तौर पे मेरा हमेशा जो भी लाइव सेशन में आता हूँ तो मेरा उसमें हर समय ये मिशन नहीं रहता कि मैं पेंटिंग्स लटकाऊँ या मैं पेंटिंग्स के बारे में ही बात करूँ और बस बेचने ही बेचने की बात करूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम राजस्थान के कला इतिहास में, देश के कला इतिहास में एक जिम्मेदार, एक अच्छे कलाकार के तौर पे लिखा जाए। तो मैं आज इसीलिए इस मुद्दे को लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और इसी के साथ साथ कुछ और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे लगता है कि मैं शॉर्ट तौर पे मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि जैसे राजस्थान ललित कला का अकादमी का भी इसमें बड़ा योगदान है, तो क्यों ना वहाँ पर भी मीटिंग्स में ऐसा नहीं कि, देखिए एक बड़ी बात होती है कि जो जिस चीज़ में सेनापति बन चुका है आज महेश गुजर हैं, वो एक तरह से 10-15 साल से अपनी टीम के द्वारा, उसके उनके साथ में बहुत सारे लोग और भी हैं जिनका, कि ऐसा नहीं कि उनका नाम की महत्वता कम है, बट अपनी टीम के द्वारा इस मुद्दे पर लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को बलशाली लोगों को और दूसरा बुद्धिमान लोगों को, राजस्थान को, सब लोगों को इस मुद्दे पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, मीटिंग्स करनी चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। रही बात मेरी और भी चीज़ों से, एक छोटे से संक्षिप्त तौर पे मैं बोलना चाहूँगा कि ललित कला अकादमी है जो राजस्थान में नामी आर्ट फेस्टिवल्स बन चुके हैं, चाहे वो चित्तौड़ का हो, चाहे वो टोंक का हो, उनको भी क्योंकि ललित कला अकादमी के कई बार फंक्शंस ऐसे होते हैं कि वो उसमें लोग इंटरेस्ट नहीं रहते, तो जो जहाँ पर राजस्थान की कला के सर्वांगीण विकास में इंटरेस्ट लिया जा रहा है, जहाँ पर लोग फुटवॉक कर रहे हैं, जहाँ पर पर्सनली लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करके उन कला मंच को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ललित कला अकादमी के द्वारा उनकी भी लिस्टिंग की जाए, उनको भी, उनकी भी वेबसाइट्स पे मार्केटिंग की जाए, चुनिंदा कुछ कलाकारों की ना करें और सब लोगों की मार्केटिंग करें, लोगों को, पूरे वर्ल्ड को बताए कि हमारे राजस्थान में इतने आर्ट फेस्टिवल्स डिफरेंट जगहों पे इतने होते हैं जिनका कि ये नाम रहता है, और आप पूरे ईयर आप चाहें तो यहाँ आप जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ स्टेट अवार्ड और जो दूसरी गतिविधियाँ होती है उसमें भी मैं चाहता हूँ कि दिल्ली ललित कला अकादमी की तरह डिजिटलाइज फॉर्म चालू करें, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए, पहले ही आर्टिस्ट बहुत गरीब होता है और उसके साथ साथ तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपनी आप सेम शहर का आर्टिस्ट तो एक स्कूटर मोटरसाइकिल पे भी आप 3 पेंटिंग मांगेंगे वो अच्छे से बड़ी साइज़ में बना के सबमिट करके आ सकता है, पर दूसरे शहर का आर्टिस्ट अगर सपोज़ लेके भी आता है तो मिनिमम से मिनिमम 5,000-7,000 रुपये उसका खर्चा आ जाता है। अगर आप 25,000 रुपये स्टेट अवार्ड के लिए देते हैं तो, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि उसको मिलेगा, तो कहने का मतलब ये कि उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। साथ ही
आप डिजिटलाइज फॉर्म चालू करें, पहले ईमेल से सेलेक्ट करें, जो भी पेंटिंग सेलेक्ट होती है वो क्या कहते हैं उस पर आप मंगाएं, वो आप देंगे। और ये सब जितनी भी गतिविधियां हैं और इससे कला का सर्वांगीण विकास होगा, ये सब चीज़ें जब होगी तो प्राथमिक शिक्षा में भी देश का भविष्य उज्जवल होगा। और बच्चे वेट कर रहे हैं, बच्चे प्राइवेट स्कूल्स के साथ साथ जो गरीब बच्चे हैं राजस्थान, पूरे इंडिया में बहुत सारी जगहों पे हैं प्राथमिक शिक्षा में योगदान, तो बच्चे वेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम आर्ट फॉर्म्स, आर्ट आर्टिस्ट हम स्कूल में देख सकें। तो ये सब चीज़ें रहें। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए, और मैं अपनी ओर से सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उम्मीद करना चाहूँगा कि जो भी आज का सेशन रहा है कि मुझे तो मेरी ओर से कोशिश की गई प्राथमिक शिक्षा का महत्व बताने की, तो मैं उम्मीद करना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को देखा जाए। और थैंक यू सो मच।